13,200 करोड़ की लागत, 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 22 महीने में हुआ तैयार, उद्घाटन में उतारा गया फाइटर जेट, बरसात में खुल गई पोल, 50 फीट धस गई सर्विस लेन। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन फाइटर प्लेन उतार कर किया था, उसे एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन में 50 फीट गड्ढा हो गया है। इस गड्ढे की चपेट में एक एसयूवी कार भी आ गई है, जो 50 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी। ये हादसा आगरा से करीब 16 किलोमीटर आगे डॉकी क्षेत्र में वजीरपुर पुलिया पर हुआ। कार सवार चारों लोग सही सलामत है। दरअसल रचित नाम का शख्स अपने 3 रिश्तेदारों के साथ मुंबई से सेकंड हैंड एसयूवी कार इंडीवर खरीद कर कन्नौज जा रहा था। रचित ने बताया, मैं गूगल मैप की सहायता से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बीच में नेटवर्क फेल होने पर सर्विस लेन पर आ गया। सर्विस लेन पर गड्ढा दिखा तो मैंने ब्रेक लगाया, स्पीड तेज होने की वजह से कार गड्ढे तक आ गई और तभी कार के नीचे जमीन धस गई। हम कार समेत 50 फीट नीचे चले गए। गौरतलब है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2017 यूपी विधानसभा में अखिलेश ने यहां तक दावा किया था कि जो एक बार इस एक्सप्रेसवे पर चल लेगा वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। 302 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 13,200 करोड़ रुपए खर्च कर रिकॉर्ड 22 महीने में तैयार किया गया था।